क्या माहो किसी बार में काम कर रहा है? ले 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 ले। आवाज मत करो। क्या कर रहे हो तुम सब? सारा काम हो गया? जी बड़ी मालकिन। इतनी जल्दी कैसे हो गया? और माहो कहाँ है? हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। माहो से कोई खास काम था क्या मालकिन? हाँ, हमें कुछ सामान मंगवाना था, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आगा सही कहते हैं, वो किसी काम का नहीं है। आप वो लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं सुबह सारा सामान लेकर आऊंगा। ठीक है। और एक बात बताओ, तुम लोग माहो कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा? नहीं बड़ी मालकिन। हाँ ठीक है। क्या हो रहा है? चल निकल, चल निकल, चल निकल यहाँ से। माहो भाई। हाँ बोलो। चलो ना, एक की धुलाई करनी है। देखो मैं बहुत थक गया हूँ, और मैं दिन में भी काम करता हूँ और रात को भी काम करता हूँ। तुम ये काम खुद ही कर लो। लेकिन आपके बिना मजा नहीं आएगा। तुम्हें मजा चाहिए? चलो मैं आता हूँ। नींद खराब कर दी मेरी, अब देखता हूँ। ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? पैसे उसे दे दो, अच्छे घर के लग रहे हो। हाँ हो, क्या कर रहे हो? थप्पड़ खा के मानेगा क्या? आँख खोल, चल। गुड इवनिंग सर, फिर से आइएगा। ये लो, थैंक यू, मजे करो। जी मेहरबानी। ये क्या है? 5 रुपए। बात तो ऐसे कर रहा था जैसे कहीं का राजा हो। ओ भाई अपने पैसे ले जा। तुम्हें क्या हो गया? थोड़ी ज्यादा हो गई है माहो। मतलब तुम फिर से किसी और के पैसों से पी रहे हो? मेरे बाल संभालो। ये भी करना पड़ेगा ना, मैंने घोड़े पर पैसे लगाए होते और ना ही मुझे आज ये सब करना पड़ता। क्या दिन आ गए हैं? अरे बाप रे, पता नहीं लोग क्या क्या ठूस लेते हैं अपने पेट में। हम प्रिंसिपल सर के लिए कुछ भी करेंगे। हमसे कुछ गड़बड़ होगी और वो हम पे गुस्सा हो जाएंगे। ओहो, अब गुस्सा होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग तो समझ गए हमें क्या करना है। हाँ अच्छी तरह से। तुम लोग मेरा साथ दोगे? हाँ बिल्कुल। मैंने बाकी सबसे भी बात कर ली है, वो सब भी हमारा साथ देंगे। सिनेमा आंटी आ रही है, जल्दी। इतने चुपचाप कैसे बैठे हैं? क्या हो रहा है बच्चों? सरप्राइज है। तुम्हारी हमिया दीदी ने आज तुम्हारे लिए केक बनाया है, ट्राई करके देखो, बहुत टेस्टी है। अरे वाह। तुम लोग कर क्या रहे हो? बस एक मिनट मॉम, टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? 180 लॉन्गिट्यूड्स और 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, लिख लिया। हम पढ़ रहे हैं। सचमुच पढ़ाई कर रहे हो, वो तो मुझे दिख ही रहा है। पर मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा होता तो कभी बिलीव नहीं करती। क्या हो रहा है बच्चों? गुड इवनिंग। हाय सिनेमा आंटी, कैसी हैं आप? हेलो आंटी। मॉम आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, प्लीज जाइए ना यहाँ से। नेहमत चान, अपने फ्रेंड्स के सामने मुझसे अच्छी तरह बात करो, वरना उनके जाने के बाद पछताना होगा, बाद में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर मत बोलना कि मैं गुस्सा करती हूँ। थैंक्स फॉर द स्नैक्स सिनेमा आंटी। यू वेलकम माय डियर। बिल्कुल अपने डैड जैसा होता जा रहा है। जुए में हारने के बाद तुम यहाँ काम कर रहे हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं इस बार में काम नहीं करता। अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाने दो, मैं तो जा रही हूँ। चलो पला टली, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। मुझे भी उसके बारे में बताओ ना। फॉर्च्यून, वाह क्या नाम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या उसके जीतने की कोई गारंटी है? और क्या, पूरी गारंटी है। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। बेईमान लोग, मुझसे पैसे ठगे और अब यहाँ मस्ती करने आए हो? मैं दिखाता हूँ मस्ती कैसी होती है। क्या कह रहा है ये? पैसे तो तुमने ही लगाए थे ना। लो ये पैसे रख लो, अब हिसाब बराबर, ठीक है? चलो निकलो यहाँ से। रुक जाओ, अभी तो हिसाब किताब पूरा करना है।
तुम मेरी किस्मत से मेरे पास आए हो, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगा। पहले तुम्हारी खातिरदारी तो कर दूं। माओ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या तेरा? छोटी सी है, इन्हें पकड़ लो, पुराना हिसाब चुकता करना है। ये क्या कर रहे हैं यार? कुछ नहीं कर रहे, बस 15 मिनट से इन्होंने किसी की कुटाई नहीं की, इसलिए हाथों में खुजली हो रही है। अब तुम लोग मिल गए हो। बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? वो पैसे तो हमने खर्च कर दिए। सारे के सारे खर्च कर दिए? सारे खर्च कर दिए तो ठीक है, तुम्हारा खर्चा और बढ़ा देता हूँ। बस 2-4 हड्डियाँ तोड़ेंगे और अस्पताल वाले तुम्हारा हाजमा भी ठीक कर देंगे। इन्हें कोने में ले चलो, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। जल्दी ले चलो। चलो चलो। अरे सर, जाने दीजिए, छोड़िए। ये जगह सही है। अब तुम दोनों चुप क्यों हो? हैं? घोड़े का नाम नहीं बताओगे? हैं? मैं तो यही कहूंगा कि आज हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक माहो की बात है, वो तो मेरे बेटे जैसा है। मैं मत आगा, मैं काफी वक्त से पुलिस में हूँ, लेकिन इसके जैसा आज तक नहीं देखा। उर्फा में ये एक लौता नमूना है ऑफिसर। बड़े मालिक, देखिए आप जो भी मुझे कहेंगे मैं वो सब मानता हूँ, लेकिन वो लोग बेईमान थे और वो लोगों को ठगते थे, उनकी यही सजा होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले तो तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। मैंने तुम्हें बैंक में पैसे जमा करने के लिए दिए और तुमने उनको रेस में लगा दिया। तू कभी सुधरेगा नहीं उल्लू के बैठे। एस्मा को पता चल गया तो वो तुम्हारी क्या हालत करेगी पता है? मेरी जान ले लेंगी। बड़े मालिक, आप उनसे कुछ कहिएगा मत, आपको मेरी कसम है। उन लोगों ने डर के मारे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, इसलिए आप माहो को ले जा सकते। नहीं, अभी नहीं ऑफिसर, मुझे आप सिर्फ 15 मिनट दीजिए, मैं इसका दिमाग ठीक कर दूं। जरूर, जैसा आप कहें। नहीं सर, आप मत जाइए। देखिए पिटाई तो मैं फार्म हाउस में भी आराम से खा सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुक नहीं सकता, मुझे बहुत काम है, तुम अपना ख्याल रखना। बड़े मालिक, मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी तुझे कुछ किया ही नहीं है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। बड़े मालिक, अरे बड़े मालिक, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है सर। नामकून नामुराद, बड़े मालिक के पास चले जाइए। सारे बच्चे कहाँ चले गए हैं? अभी पहला लेक्चर ही खत्म हुआ था कि पूरा क्लासरूम खाली हो गया। कहीं बच्चे बीमार तो नहीं पड़ गए? सारे बच्चे एक साथ कैसे बीमार हो सकते हैं? सुनिए मैरिन मैडम, सारे बच्चे कैंटीन में हैं। वो सब वहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब स्कूल को बॉयकॉट कर रहे हैं। क्या? क्या? जी। अरे इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा लिखो ना। चलो चलो, जल्दी 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 काम करो सब लोग, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूँ सबको, जल्दी। चलो आप सब लोग मेरी बात सुनो, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। शीत, तुम सबको चुप करो ना यार। सब चुप हो जाओ। बढ़िया, आप सब लोग यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम सब लोग यहाँ अपने प्रिंसिपल सर की हेल्प करने आए हैं। हम सब आखिर तक उनका साथ देंगे ना? हाँ, देंगे। कोई प्रेशर में आके पीछे तो नहीं हटेगा? नहीं, नहीं। प्रिंसिपल सर हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए उन्हें निकाला गया है। देखो सब लोग हमारे पास आएंगे, हमें समझाएंगे, गुस्सा भी करेंगे, और फिर हमसे कहेंगे कि तुम अभी बच्चे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। क्या तुम लोग उनकी बात मानोगे? नहीं। क्या हम प्रिंसिपल सर को हारने देंगे? नहीं, नहीं। तो फिर चलो जल्दी से शुरू करो। शुरू हो गया है, इन पोस्टर्स को शूट करो। आओ अंदर चलते हैं।
ये लोग कौन है? मीडिया वाले, इन्होंने मीडिया को भी बुला लिया। हेलो यंग जेंटलमैन, आप ही इन सब के लीडर है ना? मैं लीडर हूँ। हाँ, तुम हमारे लीडर हो। हाँ, मैं ही हूँ। तुमने मेरे सारे पैसे घोड़ों पर लगा दिए ना, अब आज से तुम उनके साथ ही रहोगे। और मैंने ये सबसे कह दिया है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगले 6 महीनों तक तुम यहीं रहोगे घोड़ों के साथ और पूरे अस्तबल की सफाई भी करोगे। बड़े मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अब अगर मुंह खोला तो सजा 1 साल की हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो दया कीजिए मुझ पर। आप मुझे माफ नहीं करेंगी बड़ी मालकिन? 2 साल, हम तुम्हारी सजा 2 साल कर देंगे। 2 साल? इस बार रहम नहीं करेंगी। जब से इन्हें पता चला है कि तुमने घोड़ों पर सट्टा खेला है, ये कह रही है इसे भगा दो। ऐसे लोगों पर हम जरा भी रहम नहीं करते। अगर कुछ गलत किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मेरी यहाँ बदबू से जान निकल जाएगी बड़े मालिक। घबराओ नहीं, जल्दी आदत पड़ जाएगी। बड़े मालिक, बड़े मालिक छोटे आगा टीवी पर है। अच्छा, आप भी आते? चलो चलो, मैं भी आऊँ। तुम काम पर लगे रहो। थोड़ा कम खाया करो। अली, अली जल्दी अपनी खिड़की खोलो। अली, क्या बात है? चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला दुख गया। इतनी देर से कहाँ गायब हो गए थे तुम? कमाल करती हो, चिल्ला क्यों रही हो? फोन कर दिया होता। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी जाकर टीवी ऑन करो, देखो क्या आ रहा है। लेकिन क्यों? अरे जाओ ना, बहस मत करो, जस्ट गो अली, जल्दी जाओ, मैं भी देखने जा रही हूँ। ठीक है, देखता हूँ। बाबूचान, हमारे प्रिंसिपल सर के साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम उनके स्टूडेंट्स हैं और इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स से भी यही बात कर रहे हैं। अगर आप हम सभी स्टूडेंट्स की केयर करते हैं तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। हम सरकार से भी यही कह रहे हैं। हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग हमें ये मत समझाइएगा कि अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे कहे कि हम बच्चे हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन हम अपने प्रिंसिपल सर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, और हम उन्हें हारने नहीं देंगे। हम अपने प्रिंसिपल सर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जिन बच्चों ने स्कूल को बॉयकॉट किया है, वो और उनके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि प्रिंसिपल के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसकी सुनवाई की जाए। मिनिस्टर साहब, आप अंकारा के रहने वाले हैं, आप अपने स्टाफ से कहिए कि वो इस मामले को जल्दी निपटाए। हमें ये खबर थोड़ी देर से मिली, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मामला जल्दी सुलझे। सुनो, तुम आज ही स्कूल में जाओ और मेरे पास स्कूल के प्रिंसिपल की फाइल भेजो। जी बिल्कुल। अली। हाँ बोलो। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी वही जा रही हूँ, चलो। मेरी समझ में नहीं आता अली, क्या करें हम इस लड़के का, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। He's just out of control. लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया है यार। इस बार जो स्टूडेंट्स बॉयकॉट कर रहे हैं वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नहीं है, और ये प्रोटेस्ट भी पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि इस प्रोटेस्ट में शामिल बच्चों की उम्र सिर्फ 8 से 13 साल के बीच में है। वो अपने स्कूल के मैनेजमेंट से बस एक ही चीज चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके प्रिंसिपल को गलत तरीके से हटाया गया है, इसलिए उन्हें वापस लाया जाए। अभी अभी यहाँ नेशनल एजुकेशन मैनेजमेंट के एक सदस्य यहाँ आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 1 मिनट सर, क्या आप हमें कुछ बताएंगे? नहीं, अभी नहीं। ये बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। मीडिया वालों को अंदर मत आने देना। ओके सर। वो कुछ नहीं बता रहे हैं, हम आगे की खबर आपको देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। वो कौन है बताओ? तो वो कौन है? भैया। तुम्हारा भाई है? बड़ी होकर तुम भी अपने भाई जैसी ही बनोगी। आहा, तब तो हमारी छुट्टी, हम क्या करेंगे, बस बदमाशी करोगी। अब चलो जल्दी से मुंह खोलो और खाना खा लो। शाबाश। मैंने सही कहा ना दोस्तों? एकदम सही कहा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वेलकम सर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है ये सब? बच्चों ने स्कूल को बॉयकॉट कर दिया और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। अब मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तुम लोगों की नौकरी खतरे में है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि मैं स्कूल के ट्रस्टीज को क्या जवाब दूंगा?
ये बच्चे अगर अब इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं तो आगे जाके क्या करेंगे? अरे वाह दोस्तों, देखो प्रिंसिपल सर आए हैं। वेलकम बैक सर। थैंक यू। हमने आपके लिए मैसेज भेजा था, आपने देखा ना सर? हाँ देखा, मैंने देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। भले ही तुम लोग ये सब मेरे लिए कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी नुकसान हो। और फिर ये सब करके सिर्फ तुम्हें ही नुकसान नहीं होगा बल्कि तुम्हारी टीचर्स को भी होगा। हो सकता है कि उन लोगों को पनिश किया जाए, क्या तुम लोग ये चाहते हो? बोलो बताओ। मिस्टर सादिक, आपको इस स्कूल से निकाला जा चुका है, फिर भी आप यहाँ कैसे आए? हम सब संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे बताएंगे जरा? आप फिक्र मत कीजिए। कैसे? हम इन सब बच्चों के कान पकड़कर इनकी क्लास में ले जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं मचाऊं, यहाँ पर आओ। डैड इधर आओ। एक्सक्यूज मी, आपने अभी अभी कहा कि आप बच्चों के कान पकड़कर उन्हें क्लास में ले जाएंगे। ये रहा मेरा बेटा महमचान, आप इसके कान पकड़कर ले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ। अरे सर आप बुरा मान गए, ये कहने की बात है। आपसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप जो कुछ कह रही है मैडम वो गलत है, सरासर गलत। आपको ऐसा कुछ कहने के बजाय अपने बच्चों के लिए मिसाल बनना चाहिए। बच्चों के लिए मिसाल ही है, बस फर्क ये है कि हम आपसे अलग हैं। आप लोग दो मिनट के लिए शांत हो जाइए। मगर आप कौन है? मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ मिनिस्टर ऑफ नेशनल एजुकेशन का, और यहाँ एक फरमान लेकर आया हूँ। तो क्या मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाया है? नहीं आपको नहीं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये, ये, ये। Well done, मिस्टर मिनिस्टर, हमारे अंडर सेक्रेटरी बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आ चुके हैं, वो मीटिंग रूम में बैठे हैं। चलिए फिर चलते हैं। चलिए। अरे धीरे खाओ अटक जाएगा। कुछ नहीं होगा। ये जगह तो बहुत सुंदर है, क्या मैं भी बड़ा होकर गवर्नर बन सकता हूँ? वेलकम बच्चों। थैंक यू सर। चलो बैठ जाओ। तो तुम इस गैंग के लीडर हो? यस मिनिस्टर अंकल। जरा वो न्यूज वीडियो फिर से प्ले करना। हम अपने पेरेंट्स से भी यही बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्कूल में शांति बनी रहे तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। हम सरकार से भी यही कह रहे हैं, हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग हमें ये मत समझाइएगा कि अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे कहे कि हम बच्चे हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल सर से बहुत प्यार करते हैं। क्या ये सब सच है? एक एक बात सच्ची है सर, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मेरे दोस्तों से पूछिए। बिल्कुल सच्ची है, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ सच है। शुरुआत तुमने की, तो इस मामले में तुम्हें कभी किसी से डर नहीं लगा? नहीं सर। हेलो बोलिए। मिस्टर सादिक, मुझे आपको कांग्रेचुलेट करना था, बच्चों को आपने बहुत अच्छे मैनर्स और ट्रेनिंग दी है। शुक्रिया, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? मेरा सेक्रेटरी आपको फोन करके बता देगा। उम्मीद है कि आप आने वाले कई सालों तक इस इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल बने रहेंगे। ऑल द बेस्ट, फोन रखता हूँ। कभी गिव अप मत करना बच्चों, और एक बात याद रखना, हमेशा ऐसे ही मुश्किलों का डट कर सामना करना। आप सबको ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
सर ने आप सबको हेलो बोला है। अच्छा, उनसे भी हमारा हेलो कहना। हीरो है हमारा मेहमत जान, हम ये दीदी को तुम पर बहुत नाज है। ये अंदर से बिल्कुल हमारी तरफ के लोगों जैसा है, वो भी बिल्कुल इसकी तरह साफ मन के हैं। होगा ही ना, हम ये दीदी मैं उर्फा से ही तो हूँ। एक बात कहूँ, उर्फा से हो या कहीं और से क्या फर्क पड़ता है ना? वैसे तुमने फिर से हमारी बात नहीं मानी मेहमत जान, पर इस बार मैं गुस्सा नहीं होने वाली, नाराज भी नहीं होने वाली, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। क्या कहती हो एजे, इस बार हम मेहमत जान पे गुस्सा नहीं होने वाले ना? मैंने जो किया भले के लिए किया। रात को कौन फोन कर रहा होगा हमियत? और कौन, वही बेशरम होगा सिने मैडम, और वो भी कौन सकता है। मेरा हाय कहना। ये भी कभी भी फोन करते थे। I want to kiss. इधर आओ इधर आओ, सर पे नहीं चीक्स पे देनी है। आह मजा आ गया। पता था तुम ही होगे माहो। फरमाइए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। देखूं तो जरा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बोलो क्या काम है? अमित देखो ऐसे मत बात करो, तुम्हें पता है ना इन 3 दिनों में मेरी क्या हालत हो गई है। अच्छा, जो गलती तुमने की है ना उसके लिए 3 दिन तो कुछ भी नहीं है माहो। देखो मैं बड़े मालिक को बिना बताए यहाँ पर आया हूँ, अब तो मेरे सामने थोड़ा सा मुस्कुरा दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बकवास बंद करो माहो, मैं मुस्कुरा दूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम वहाँ घोड़ों की रेस में पैसे लगाते हो, जुए में पैसे लगाते हो और फिर हार जाते हो। पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे हारते रहते हो। रेड लाइट एरिया में बॉडीगार्ड बने फिरते हो, सबसे झगड़ा करते हो, पुलिस लॉकअप में बंद रहते हो और बदतमीजियां करते फिरते हो। मुंह बंद ही रखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। आखिर तुम चाहते क्या हो? हा? तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और बाकी की पूरी दुनिया बेवकूफ है, लेकिन असल में तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। हमियत जरा मुझे भी तो बोलने दो, एक बार तो मुस्कुरा दो ना। चुप रहो, चलो निकलो यहाँ से। कितनी बदबू आ रही तुमसे, कब से नहीं नहाए हो? सिर दुख गया मेरा। ओफ, जाओ। अरे हमियत एक बार तो मुस्कुरा दो, मुझे तो बदबू नहीं आ रही, परफ्यूम तो लगाया था मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू निकला कि नहीं बुलंद? मैं सिनेम के साथ आ रहा हूँ। नहीं, हम सीधे रिसर्च सर से बात करेंगे। और वहाँ के मैनेजर से भी मिल लेना। हाँ मैनेजर भी होंगी मीटिंग में। चल ठीक है, मिलते हैं फिर मीटिंग में। अली मेरी बात मानो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, इस हालत में वहाँ जाओगे तो गारंटीड है कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा। नहीं वो बात नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? पता नहीं, अगर किसी ने तुमसे कुछ बोल दिया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे नहीं कहा ना कि मेरे हस्बैंड को एडवर्टाइजमेंट दें, वो रिसर्च सर ने खुद तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। मैं क्यों कहूँगी, ये उनका अपना डिसीजन था, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। पता नहीं यार कहीं कोई गड़बड़ हो गई। बेकार की बातें सोच रहे हो तुम, ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, कुछ और कंपनीज के भी प्रपोजल देख रहे हैं, वो अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। वाकई? और नहीं तो क्या, मैंने कहा था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, फाइनल डिसीजन उनका होगा, जो रिजर्व करता होगा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ठीक है देखते हैं क्या होता है। करो ना करो ना। देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए बस। तुम्हें ही मिलेगा स्वीट हार्ट, आई नो इट, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मुझे राउंड पे जाना है, मैं चलती हूँ। गुड लक बुलंद, बी कॉन्फिडेंट। बाय अली। मैं भी आ रही हूँ सलीम, रिसत सर तुम दोनों का वेट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। तू तैयार है कि नहीं? पता नहीं यार, अंदर चलकर देखते हैं। वैसे रिसत सर का रूम कौन सा है? पूछते हैं। पकड़ो इसे। थैंक यू हसन, थैंक यू शिरिन। ए
ऐसा मत कहो बेटा, मैं थोड़ी कोई पहली बार हॉस्पिटल आई हूँ। इससे पहले भी कई डॉक्टर्स से मिल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं था। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं अब। ये तो मेरा फर्ज था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा ये बताइए, आपको कोई लेने नहीं आया अब तक? मेरा भतीजा आता ही होगा। तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा था, तुझे क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो अब तक कुछ क्लियर नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है लेकिन कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं। अरे वो देखो आ गया। कैसी हैं आंटिया? ठीक हूँ, शुक्र है ऊपर वाले का। I'm sorry, मुझे शूट से निकलते निकलते देर हो गई। अच्छा इनसे मिलो, मेरी डॉक्टर मिसेस सिनेम। हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। ओक्ता एक एक्टर है डॉक्टर सिनेम, आजकल एक बड़े टीवी सीरियल में काम कर रहा है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। आप टीवी सीरियल देखती हैं? सच कहूँ तो मुझे टीवी देखने का मौका नहीं मिलता है, हॉस्पिटल और घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। कभी मौका मिला तो जरूर देखूंगी, पक्का। हमारा भी सेम हाल होता है, काम तो करते हैं लेकिन अपना ही काम देखने की फुर्सत नहीं मिलती हमें। वैसे मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए, आंटी ने कहा था आपने इनका बहुत ख्याल रखा है। हाँ मैंने इसे सब बताया। थैंक यू। ये आपके लिए, आपने इतना ख्याल रखा ना इसलिए। थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी बिल्कुल। इट्स सो काइंड ऑफ यू। साला फूल दे रहा है मेरी बीवी को। ये तो ओक्ता है, ओक्ता है मुराद में अभी आई। क्या है इसमें यार? देख तो साले को। ये बता कि तू पीटने वाला है कि मैं पीटूं? अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे डॉक्टर। ओके बाय। हैव अ गुड डे डॉक्टर। हां बहुत प्यार जता रहा था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम्हें फूल देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है अली, हद है। पहली बार मिली मैं उससे, अपनी आंटी को लेने आया था, फूल देकर मुझे थैंक्स कहना चाहता था। सब पेशेंट्स देते हैं, ऐसा करूंगी अगली बार उनसे कहूंगी मेरे हस्बैंड के लिए भी फूल लाए। अच्छा तो क्या वो पेशेंट को लेने आया था या खुद पेशेंट बनकर आया था? मेरी समझ में नहीं आया। सच कहूं तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। पता नहीं मैं टॉलरेट क्यों करती हूं। आरजू चलो हम यहां से चलें, इन्हें अकेला छोड़ देते हैं वरना इन फूलों से मैं इसका सिर फोड़ दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपना सिर मैं खुद ही फोड़ लूंगा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं, चले जाओ यहां से। वैसे भी ये फूल बहुत प्यारे हैं, नो नो वेस्ट देम। वैसे हमारी मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, थैंक यू वेरी मच। चल यार। पपेट नहीं है क्या? हम एक नया गेम खेलने वाले हैं। कौन सा गेम है बताओ ना। चुप करो मैं बताती हूँ। ये स्टोन्स एक पे एक रखते हैं और दूर से बॉल एम करके मारते हैं। तुम्हारा मतलब बॉलिंग जैसे? नहीं बिल्कुल नहीं, छोड़ो ना यार हाइड एंड सीक खेलते। हाँ जब तक ये पत्थर फिर से नहीं लग जाते छुपना ही होता है। तुम गोल पोस्ट पे जाओ, पेनल्टी शूट आउट करते हैं। जिसने गोल बनता क्या उसे कबाब के सैंडविचेस मिलेंगे। ठीक है ओके। उफ़ क्या कर रहे हैं। देख रहा है ना तू, ये सब वो जानबूझकर करती है। पानी भी दे रही है, उगाना चाहती है, देखना ओक्टे को याद करेगी। बुलंद कुछ भी मत बोल यार वरना मार खाएगा। मैं तेरी जगह होता ना तो इस पॉट को तोड़ देता। सनेम क्या है? वो फूल हटाओ वहाँ से। क्यों हटाऊं? मैं इन्हें देखना नहीं चाहता, हटाओ इन्हें यहाँ से। ओ माय गॉड, तो मत देखो ना। कर्टन्स क्यों नहीं लगा लेते यार? सनेम ओ अली, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है, फोटोसिंथेसिस जरूरी है इनके लिए। तुम भी धूप खाया करो कभी कभार, ताकि तुम्हारे दिमाग में भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन पहुंचे और तुम भी थोड़े स्मार्ट और क्लेवर हो जाओ फॉर अ चेंज। क्या मैं कोई पौधा हूँ क्या? यार ये दोनों तो फिर से शुरू हो गए। हम ऐसा करते हैं तो हमें डांट पड़ती है। लेकिन तुम्हारा घर तो बहुत फनी है। बिल्कुल नहीं, लड़ाई में क्या फनी है। एक मिनट, क्यों ना इस लड़ाई का फायदा उठाया जाए। संभल की नई प्रॉब्लम मत खड़ी कर। प्रॉब्लम और मैं? कम ऑन शिरीन यार, कुछ भी मत बोलो। मैम मैं चार। मॉम सिनेमा आंटी। सुनो बच्चों मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, कहीं मत जाना, यहीं पे खेलना। दो घंटे में वापस आ रही हूँ काम खत्म करके। मैं जब वापस आऊँ तो तुम सब यहीं मिलना मुझे, ठीक है? बात समझ आ गई? ओके हम यहीं पर हैं। हम पपेट्स खेलेंगे। पेन पेन खेलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है तुम लोग खेलो, मैं चलती हूँ। उक्ते मुराद। ठीक है तो सबसे पहले उस नाम से एक ईमेल आईडी बनाएंगे। अब हमारे प्लान का सेकंड स्टेप।
इतने पैसों से काम चल जाएगा। बस अब हमें ढूंढना होगा एक फ्लोरिस्ट। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है क्या? यार मुस्ती, कैश ऑन डिलीवरी के बारे में नहीं सुना तुमने? हाँ। मैं चांद, रूम गंदा मत करना बेटा, अभी साफ किया है मैंने। हाँ ठीक है, चलो अब ये काम भी हो गया, तुम लोग जाओ। पर हम नहीं देखेंगे क्या? अरे वो मैं कल बता दूंगा, पर तुम में से किसी एक को यहाँ रुकना पड़ेगा। फत्ता। ओके मेमो। क्या यार, ये तो स्टेंसिल है। ठीक है ना यार, स्टेंसिल ज्यादा एक्यूरेट होता है। तुझे पसंद नहीं है बट इट वर्क्स, इसलिए स्टेंसिल है। अब काम कर इससे। बड़ा पता है तुझे। अरे तुझे क्या मालूम यार, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, समझा, तुझसे कहीं ज्यादा। क्या बात है मॉम, टाइम पर आ गई। आइए आइए, ये पैकेट पकड़ो अमित, मेरे हाथ दुख गए, इतना भारी सामान है। ओ माय गॉड, ऐसे शॉपिंग कर रही थी जैसे फिर मौका ही नहीं मिलेगा। सच में भारी है। उस पैकेट में मटन है, खराब होने से पहले फ्रिज में रख दो। थैंक यू। ए जी, मेरी बीबी, क्या कर रही थी, मुझे मिस किया? पता नहीं यार, कितने हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स किए हमने आज तक। तो फिर तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, जिद में आकर काम मत कर। हाँ, दो चीजें याद आती हैं जब भी हॉस्पिटल के बारे में सोचता हूँ, पहली सिनेम और बी साइलेंट का साइन बोर्ड। ओ नो डैड। क्या हुआ? मॉम के लिए बुके आया है। कैसा बुके? रेड रोजेस वाला बुके। कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। ये फूल भेजने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। सारा घर भर गया है फ्लावर्स से। अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रूम की विंडो पर भी एक है। अच्छा, और भी हैं? देखो बेटा, मेरी एक बात मानो, तुम घर जाओ और पता करो कि ये फूल किसने भेजे हैं, और इस बात का मॉम को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। ये तुम्हारा नया मिशन है, जाओ जल्दी, मॉम को पता ना चले। ओके ओके। मिस सिनेम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज का दिन कभी नहीं भूल सकता मैं, आपका बलविशा। साइंड बाय ओक्टाय मुराद। ओक्टाय मुराद, क्या करूं फिर मैं, क्या ये सब? ठीक है, एक बार दे दिया लेकिन बार बार, आई डोंट गेट इट। हमीयत जी, सिनेम मैडम, लो पकड़ो इस बुके को और डस्टबिन में डाल दो। ठीक है। हाँ, या जो मन में आए करो, फेंक दो इसे, मेरे सामने से हटाओ। ठीक है मेरी जान बीबी। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? फ्रॉम ओक्टाय मुराद, सेंड। मॉम, मैं डैड के घर पे एक बुक भूल गया, ले आऊं? हाँ ठीक है, ले आओ। कौन है? होप जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप मेरे साथ बैठेंगे, थोड़े ड्रिंक्स एंड वाइन लेंगे, उम्मीद है आप जरूर आएंगे और मेरा दिल रखेंगे। क्या बकवास है, ओह कितना बेशरम आदमी है, हद कर दी है इसने, जीना हराम करके रख दिया है। उसी एक्टर ने फ्लावर्स भेजे हैं डैड। अच्छा, तुम्हें पूरी तरह यकीन है? मैंने तुझसे कहा था ना, जरूर ये बुके उसी कमीने ने भेजा होगा। सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं भेजे। क्या मतलब, और भी कुछ भेजा है क्या? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं करूंगा, बताओ। मॉम पे भी गुस्सा नहीं होंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आप बताओ भी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। उन्होंने एक लव लेटर भी भेजा है। ओह अच्छा, लव लेटर भेजा है? हाँ, मॉम ने पढ़ा और वो बहुत गुस्सा हो गई। अच्छा, मैं बताता हूँ उसे लव लेटर कैसे भेजते हैं। एक मिनट डैड, आप क्या करने वाले हैं? बताइए बताइए ना। किसी के हाथ पैर तोड़ने हैं, अब सोच रहा हूँ कि कैसे तोड़ूं। डैड सुनिए तो सही, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बीच में मत बोलो मैं बचान। अली तू शांत हो जाए यार। कैसे शांत हो जाऊं यार? डैड आप क्या कर रहे हैं? जो बहुत जरूरी है। पर ये ठीक नहीं है। अच्छा तो ठीक क्या है बताओ? पता नहीं, लेकिन आपको मॉम के पास होना चाहिए, उन्हें घर आने के लिए मनाना चाहिए। रुक जाओ तुम, ऐसा मत कीजिए ना। जरा तुम रुक जाओ, पहले ओक्टाय को तो देख लूं, फिर तुम्हारी मॉम की बारी है। बुलंद ला चाबी दे कार की। रुक जा यार, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, थोड़ा शांत हो जा। मैं छीन कर ले लूंगा तुझसे, समझा, चाबी दे मुझे। नहीं दूंगा, कमाल कर रहा है यार तू, एक ही शर्त पे दूंगा कि तू जहाँ जा रहा है वहाँ मुझे साथ लेके चलेगा। हाँ तो चलना। फूल भेजता है साला। ठीक है चल, चला जा, मेरी बीवी को फूल भेजेगा, जल्दी करना।
यार इस बार भी गड़बड़ हो गई। हेलो कैसे हैं आप मैम? मैं चैनल 15 से बोल रहा हूँ। मैं चैनल 15 के प्रोडक्शन की तरफ से मिस्टर ओक्ताई के साथ एक इंटरव्यू करना चाहता था स्टूडियो में। वो है वहाँ पर? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपका स्टूडियो एग्जैक्टली किस लोकेशन पर है आप बता सकती हैं प्लीज? ओके वेरी गुड वेरी गुड, हम वहाँ पहुँचते हैं। ओके थैंक यू। इस ओक्ताई की तो मैं, अरे जल्दी चलाना यार। मुझे नहीं लगता कि तू ये सही कर रहा है अली। और मत कर, मुझे तेरा लेक्चर नहीं सुनना है, समझाना। मेरी बीवी पर नजर है उसकी। मेहमत जान सच क्या है मुझे बताओ। कहा ना मॉम, नहीं पता। ओह गॉड, अब तो मुझे फिक्र हो रही है कहीं माँ बाबा को कुछ हो तो नहीं गया। अगर कुछ होगा तो बता देंगे वो। ठीक है, लेकिन कहीं कंपनी के लोन्स का इश्यू तो नहीं है? पता नहीं, आई डोंट नो। वो जब भी इस तरह बिना बताए जाता है, कुछ उल्टा ही होता है, मुझे पता है। मेहमत जान अगर तुम्हें कुछ भी मालूम है तो प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं कुछ कर सकूं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बात हाथ से बाहर ना निकल जाए। क्या बात है मिस्टर मेहमत जान, बहुत बढ़िया। तुम अपनी मॉम से भी झूठ बोल रहे हो, सुपर। तुझे लगता है कि हम अंदर जा पाएंगे? मुझे लगता तो नहीं, पर हम जा तो रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन हम जाके करेंगे क्या वहाँ? अगर तेरा इरादा उसे पीटने का है तो भूल मत कि वहाँ कई सारे लोग होंगे। अरे तूने आवाज सुनी? कैसी आवाज? पीछे एग्जॉस्ट से आ रही है, ये ब्रांड न्यू कार है, अटक जाएंगे हम यार अगर कुछ हुआ तो। जाकर देख। अच्छा आगे रोक 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 रोक, देखते है ना। अली बेवकूफ कहेगा। अली 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 अली, फिर कोई पकड़ा खड़ा करने वाला ही है। देखो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है? आप फेंट हो गए हैं, कंप्लीटली फेंट। ट्राई करते हैं, समझ गए ना? ठीक से अब शूट करते हैं। लेट्स डू दिस। मुझे काउंट देना। ओके रोलिंग। इसी तरह, बहुत बढ़िया। तुम इसी वक्त फेंट होने वाले हो, उसी के बारे में सोचो। वो नहीं आए सर। क्या मतलब है तुम्हारा वो नहीं आए? कितने लोगों को बुलाया है तुमने? तीन लोगों को सर। और तीनों ही नहीं आए? यस सर। तुम लोग पागल बना दोगे मुझे। अब ये बताओ कि वो फाइट सीन यहाँ मैं किसके साथ शूट करूंगा? जुनैद आर्किन। अरे तो कब फोन करोगे उसे? ये सारी शूट खत्म हो जाने के बाद करोगे क्या? अच्छा ये लोग फाइट सीन शूट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं? क्या आपको एजेंसी ने भेजा है? हाँ हाँ एजेंसी से ही आया हूँ। मेगाट्रॉन जानती है ना आप, मैं मेगाट्रॉन से आया हूँ। और बाकी लोग कहाँ हैं? वो क्या है, बर्फ है, ट्रैफिक है, तो वो लोग फंस गए हैं। लेकिन क्या हो गया मैम, मैं काफी नहीं हूँ क्या? सर। हाँ बोलो। ये ही आया है, बाकियों का पता नहीं। दिखने में तो ठीक है, बिल्ड भी अच्छी है। मैंने बॉडी बनाई है सर। ठीक है यहाँ आओ, कर लोगे ना? हाँ ठीक है, ले जाओ इसका मेकअप कर दो। जैसे ही मेकअप होता है हम स्टार्ट करेंगे। ओके हाँ सर, इसे खत्म जो करना है। हमें मेरा कॉफी पीने का मन हो रहा है, एक कप बना दोगी प्लीज? इसमें प्लीज की क्या बात है, अभी बना देती हूँ, अभी लाइए। सुनो पहले तुम्हें अटैक करना है, पहले तुम्हें ओक्ताई को पंच मारना है, लेकिन सच में नहीं, एक्टिंग करनी है बस, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया, सिर्फ एक्टिंग करनी है पंच मारने की, तो एक्टिंग करूंगा। समझ गया। ओक्ताई वापस उठ के तुम्हें पंच करेगा, एक्शन ठीक से करना समझे, ताकि टेक्स हमें फिर से ना लेने पड़े। वैसे एक्सपीरियंस है ना? बिल्कुल सर, बहुत एक्सपीरियंस है फाइट करने का, बचपन से करता आ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मैंने कहा, तुम्हें बस एक्शन करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। समझ गया सर, डोंट वरी, कर लूंगा मैं। हाँ।
तुम जरा संभाल लेना, ठीक है ना? पंच लगने मत देना खुद को। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगा। चलो रिहर्सल करते हैं, सब कोई अलर्ट रहेगा, ठीक है ना? चलो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, चलो कम ऑन जल्दी क्विक। क्या हाल है, कितना गंदा किया हुआ है। मॉम, क्या है स्वीटी? मैं टी-शर्ट लाना भूल गया। बहुत अच्छा किया। और चावल लेकर आए हो या नहीं? यस। एकदम से बाहर मत आ जाना, सर्दी लग जाएगी। बहुत ठंड है बाहर, टॉवल रैप करके आना, समझ गए? ओके। ये क्या है? उम्मीद है आपको मेरा बुके मिला होगा। आई होप आपको मुझसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप मुझसे मिलने जरूर आएंगी, मैं आपका वेट करूंगा। बेवकूफ कहीं का, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, छोड़ूंगी नहीं। मेहमत चांद। यस मॉम। तुम्हारी टी शर्ट मैंने डोर पे टांग दी है, जैसे ही नहाना हो जाए कपड़े पहनकर तुम मुझसे सबसे पहले बात करने आओगे, समझ आई बात? ओके। आने दो, अब बताती हूँ। क्या हुआ सिने मैडम, सब ठीक तो है? अब तक तो सब ठीक है, पर अब देखना क्या होता है। The number you are trying to reach is currently not reachable. Please try again later. Phone. Not reachable, not reachable. भाड़ में जाओ। Sir, last rehearsal लेंगे in 30 seconds. क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ। रोल पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। मेरा स्टाइल है। अच्छा, कैसे? बस फर्ज करो कि तुम मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। रोल के लिए प्रिपेयर होने के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है कि तुम पागल हो। क्यों? मैं तो बस मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ। मेथड एक्टिंग जानते हो? रुको रुको रुको। अरे तुम लोगों में से कोई एक तो रुको, कितनी देर से लिफ्ट मांग रहा हूँ। इतनी ठंड है कि अपोलो सिने। हेलो, कहाँ हो तुम बुलंद? मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तुम्हारा हस्बैंड मेरी कार ले गया और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, जहाँ ठंड से जान निकल गई और कोई मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा। सड़ रहा हूँ इतनी ठंड में। अगर अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हो तो सुन लो, भाड़ में चाय अली। अली, ओ अली, क्या सही है? ओके, लेट्स शूट। Okay, recording and action. थोड़ी कहा था, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ सर। तुम तो इसकी जान ही ले लोगे, रियल पंच दिया तुमने। पागल है क्या ये आदमी? इसने सच में मार दिया उसे। कौन लाया इसे, कहाँ से आया है ये जंगली आदमी? सर आपका एक्टर बेकार है, पंच खाना आता ही नहीं है इसे। मैं तो मेथड एक्टर हूँ, मेथड एक्टिंग कर रहा था, इसमें गलत क्या किया मैंने? इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। मैंने अच्छा शॉट दिया ना सर? अरे इस पागल को यहाँ से हटाओ, अभी के अभी, इसे भगाओ यहाँ से। सर एक और शॉट ले लेते हैं सर, मेकअप खराब हो जाने से पहले इस बार और भी रियल एक्टिंग करूंगा। गेट आउट, आई से गेट लॉस्ट आउट। हाथ छोड़ो, मेरा बाहर का रास्ता जानता हूँ मैं। हेलो बुलंद, मेरे भाई। अरे कहाँ है तू? मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया यार। मिशन? हाँ मेरा मिशन। सच बता क्या किया तूने? अरे बाद में बताऊंगा यार, पहले सुन, सिनेम का कॉल आया था, तुझे भी आया था क्या? हाँ आया था। कुछ बताया तो नहीं ना तूने? कुछ नहीं बताया उसे, डर मत। मेरा सच्चा दोस्त है तू, जान है मेरी, लव यू, मिस यू यार। मस्का लगाना बंद कर और आकर मुझे पिक कर तू। सॉरी यार, मुझे सिनेम की टेंशन दूर करनी है इसलिए सीधा घर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ओके सोले अली, मेरी कार चुरा कर कमीने पन की हद पार कर दिया तूने, इस बार लटका दिया है मुझे तूने। अरे तो उतर जाना। हेलो अली, भाड़ में जाए कमीने साले, तू नरक में जाएगा। क्यों किया तुमने ऐसा मेहमत चांद, बताओ मुझे, क्यों गुस्सा दिलाया डैड को? मैं डैड को जेलस करवाना चाहता था, ताकि वो आपसे और प्यार करे, आपसे दूर ना हो जाए, आपसे भी और हमसे भी। हेलो
मैं कॉल करने वाला था सिनेम, मैं बीच पर वॉक करने चला गया था और फोन कार में ही भूल गया था, इसलिए कॉल मिस कर गया। बीच पे थे तुम? बीच पे क्या कर रहे थे? ऐसे ही गया था, कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? हमारे बारे में सोच रहा था, ऐसे ही, कसम से। सच बताओ अली, तुमने कहीं आज रात? आज रात क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं की? एक्चुअली गड़बड़ तो बहुत हुई है, लेकिन कुछ खास नहीं। मेरा मतलब है सीरियस कुछ भी नहीं हुआ है। सीरियस कुछ नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो ना मेरी जान, तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? नो, अक्ताई ने फूल भेजे थे और फिर वो ईमेल, मुझे लगा तुम शायद अपसेट हो गए उससे और शायद कुछ। हाँ मुझे पता है, जानता हूँ कि तुम क्या कह रही हो। अगर मैं कहूँ कि फूल और ईमेल से मैं अपसेट नहीं हुआ तो झूठ बोलूंगा। फिर मैंने सोचा कि उसने फूल भेजे, इसकी कोई वजह भी तो होगी। और वो क्या है मुझे बताओ? यही कि तुम इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन हो। अली, तुम भी ना। और क्या, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि लोग दीवाने हो जाते हैं। और मैं किसी की जान तो नहीं ले सकता, लेकिन धुलाई तो कर ही सकता हूँ। अली बोलो ना मेरी जान। थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओगे? अच्छा सुनो, तुम रहने दो, मैं आ जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बच्चे जाग जाए और हम दोनों को डिस्टर्ब करें। मैं तो वाकई डर गई थी, उफ, बहुत डर गई थी मैं कि कहीं अक्ताई को पीट ना दूं मैं। उफ अली प्लीज, पागल कहीं के, हद करते। हाँ ठीक है, वो भी और कुछ और भी है। आई मीन अगर तुम उसे मारते पीटते तो बेवजह झगड़ा होता ना तुम्हारे और मेरे बीच, टेंशन हो जाती ना। फ्लावर्स भेजे, ईमेल्स भेजे, गलती तो की उसने। ये सब मेहमचान का किया धरा है। क्या मेहमचान क्यों करेगा ये सब? किया तो उसी ने भेजे वो बुकेस। क्या, और वो ईमेल्स? वही तो, उसने वो अक्ताई मुराद के नाम का फेक आईडी बनाया और मुझे मेल किया उससे ताकि तुम जेलस फील करो और हमारे बीच झगड़ा खत्म हो जाए एंड ऑल। पता नहीं ये किस तरह की रीजनिंग है, पर मेहमत चांद का मास्टर प्लान तो यही था, पागल लड़का। तुम्हारा मतलब मेहमत चांद ने किया ये सब? मैं तुमसे पिछले आधे घंटे से और क्या कह रही हूँ अली। ओह ठीक है, वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो गया है तो। क्या खत्म हो गया? सच बताओ क्या खत्म हो गया, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया तुमने? वो बस मैंने। अली सच बताओ क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं पापा। क्या हुआ? टीवी ऑन कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी। अब क्या हो गया? सिने मत मत करो ना टीवी ऑन, प्लीज। अब तो जरूर ऑन करूंगी। इतना अच्छा रोमांटिक मूड था यार तुम। देखिए घायल हुए हो गई रोमांस की छुट्टी में लगी चोट। अली आई न्यू इट, सच में पंच मार दिया। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उन्हें काफी स्टिचेस आई है। हॉस्पिटल से अपडेट आया है कि वो ठीक है, लेकिन उन्हें रेस्ट करने को कहा है। एक हाल में शूटिंग रोक दी है क्योंकि वो शूट नहीं। देखा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो हद है। छी अली, शर्म आनी चाहिए। मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि तुम पे भरोसा किया। मुझे तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मैं बीच पे हूँ, हमारे बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बारे में तुम नहीं सोच रहे थे, एक नंबर के झूठे हो तुम अली। लेकिन मैं सोच रहा था मेरी जान, सच में सोच रहा था। सी शोर पर नहीं था, लेकिन सोच तो जरूर रहा था, तुम्हारी कसम खाकर। कब कर दिया तुमने ये सब और क्यों किया? एक आदमी को घूसा मार दिया बेवजह, एक्टर है बेचारा, वो उसका चेहरा बिगाड़ दिया तुमने। मुझे लगा उसी ने तुम्हें फूल भेजे थे।